मैं बना रही हूँ आज कंडेंस कुछ गर्दन है। मैं यहाँ मसाला लगाऊंगी इसके ऊपर। ये मैं खुशक गर्दन बना रही हूँ बिल्कुल। इसके अंदर मैं सबसे पहले 1 टीस्पून विनेगर ले रही हूँ। इन सबको 1 टीस्पून के साथ मिला लीजिएगा। इसके साथ अच्छे से हाथ से इसको मिक्स कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ले रही हूँ 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाल रही हूँ। टेस्ट के लिए यहाँ ब्लैक मिर्च यूज़ कर रही हूँ। अजीनोमोटो तो ऐड कर रही हूँ 1 टू 3। वन टी स्पून रेड चिली और टेस्ट नमक अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करिएगा। इस सब चीज़ों को अच्छी तरीके से किसी चमचे से मिला लें। अच्छा, एक और बात, मैंने इसके अंदर शुरू के अंदर चिकन के साथ मैंने चिकन धोने के बाद मैंने इसकी गर्दन और विंग्स धोने के बाद इसमें एक चुटकी अजवाइन मिक्स कर दी थी। इसमें इन सब चीज़ों को कॉट करके आधे घंटे के लिए मैं रख दूँगी। बहुत मज़े की और यम्मी बनती हुई है। और कुछ ये विंग्स हैं, विंग्स का भी मैं आपको कैसे स्टाइल के अंदर मैं आपको बनाना दिखाऊंगी, क्रंच टाइप की। साथ में मैंने इसमें ऑयल शामिल नहीं किया। इसमें 3 टेबल स्पून में ऑयल शामिल कर दूँगी क्योंकि हमें इसी ऑयल के साथ हमने इसकी भुनाई करनी है। मैंने यहाँ 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है अंदाजे से, अपने आप लोग भी ले लिएगा। और इसको अच्छे से मिला के इसे कुक होने के लिए रख दिएगा। मैं कुक होने के लिए इसको जा रही हूँ। आधा घंटा मेरे पास हो चुका है इसको लगाए। आधे घंटे से ताज़ ज़्यादा ही हो गया टाइम मेरे पास। आज की मैंने रेसिपी नहीं बनाई थी तो मैंने कहा ये रखी है तो मैं बना लेती हूँ। ये आधा किलो हैं, आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा हैं विंग्स और गर्दन्स। कुकने के लिए रख रही हूँ, कुक करने के लिए। यहाँ फ्लेम ऑन कर रही हूँ मैं अपना। मैंने कुक करने के लिए स्टार्ट अपना फ्लेम खोल लिया और फ्लेम खोलने के बाद हाई फ्लेम है। अभी इसको हाई फ्लेम पे पकाऊँगी 10 मिनट के लिए, फिर लो कर दूँगी। अब हाफ कप पानी डाल दें इसमें। बर्बाद ना करें, मैंने यहाँ लो फ्लेम कर रही हूँ क्योंकि इसमें ऑयल कम है, छूटे उड़ेंगे। ज़रा हाथ बचा के करिएगा। उसमें जिस मैंने मसाला लगाया था उसी पानी से तो फिर उसी प्याले में पानी डाल दें। मैं इसमें हाफ कप ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं गर्दन और विंग्स को गलाना है। तकरीबन ये 25 मिनट्स में गर्ल्स कुक हो जाएंगी और उसे कवर कर दूँगी मैं। ठीक है, इसमें चेक करते रहिएगा। इसमें एक बार फोन चला दें। यहाँ मेरी कुक हो चुकी है, पूरी रेडी है मेरी, बिल्कुल कुक हो चुकी है। और कुक करने के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर चुकी हूँ। ये देख लें, कलर भी चेंज हो चुका है इसका बिल्कुल से, ये बिल्कुल गल चुके हैं। अब इसमें मैं 1 लेमन लेके इसके ऊपर से छिड़क दूँगी 1 लेमन। और चाहें तो आप थोड़ा चाट मसाला हो तो वो भी ऊपर से ऐड कर दिएगा, छिड़क दिएगा, इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। इसमें मैं 1/2 लेमन ऐड कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा खट्टी ना हो जाए। बिल्कुल रस वाला लेमन है ये, इससे टेस्ट अच्छा हो जाता है। और चाट मसाला ऐड कर लें। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूँ। व्यूज़ आप लोगों के बहुत कम हैं मेरी वीडियोस के ऊपर। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।